अरे ये तो वही क्लच रिक्स है भाई भाई आ जा, ये तो वही क्लच रिक्स है भाई, इसने मेरे साथ गेम भी खेला था, ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है भाई, मतलब तगड़ा कंटेंट बनाता है, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिलता यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गाइज इस आपका न्यू वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ गाइज, तो आज की वाली वीडियो भी मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ अपनी सब्सक्राइबर से। तो जैसा ही मैंने ये वाला मैच स्टार्ट किया ना भाई, तो ये दो बंदे मेरे पीछे पड़े थे और ऑल पर कह रहे थे कि क्लचर हम आपको जानते हैं, हम आपकी सब्सक्राइबर है। और साथ में इन दो बंदों ने मुझे चैलेंज भी किया भाई कि तड़हिल आ जाना। अब सब्सक्राइबर जो थे भाई, तो अगर इसने कुछ और भी कहा होता ना भाई तो मैं मान लेता, तो मैं लैंड करता हूँ तड़हिल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जरा गौर से देख लो भाई कि क्या होता है मेरे साथ। और जैसा ही मैंने यहाँ पर लैंडिंग किया भाई और कुछ इस तरह मेरे साथ हुआ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा बस कि क्लच रिक्स हो गया भाई। वो तो आप खुशकिस्मत हो कि जो 80-90 एम इसमें खेलते हो भाई, और एक मैं बदकिस्मत हूँ कि जब भी कोई यूट्यूबर या कोई सब्सक्राइबर वगैरह जान पहचान वाला बंदा आ जाता है ना, तो फिर मेरा एम एस खुद बहुत 900 तक पहुँच जाता है। खैर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते है, और जाते हैं अपनी मेन वाली गेम प्ले पे। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे तड़हिल आने के लिए चैलेंज दिया था, ठीक है, और मैं भी आ जाता हूँ नीचे, देख लो वो भी आए थे। तो जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर मेरे करीब आने लगे ना, तो वैसे ही मेरे नेटवर्क ने भी काम छोड़ दिया भाई। अब देख लो यहाँ पर मेरा एमएस हुआ 264, ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर मुझ पर रश करते हैं ना भाई, तो उस वक्त हो जाता है मेरा एमएस पूरा 500। मेरा एम जूम करके इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप लोगों को शक ना हो। लेकिन यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर ने कुछ गलत किया भाई, मतलब इस लोगों ने ऐसा किया कि मुझे भी ना किया और साथ में मेरे टीममेट को भी ना किया जो कि मेरा करीब था। और इसके बाद हमने अपने नंबर दो टीममेट को बहुत चिल्लाया पिल्लाया, मतलब की आ जाओ हमें रिवाइव करो, लेकिन वो आया नहीं। और जब वो आया ना भाई, तो उस वक्त मेरा हीलिंग खत्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी हुई कि इन दोनों बंदों ने जैसा ही मुझको नॉक किया ना भाई, तो उसके बाद इस लोगों ने मुझे इमोट विमोट नहीं दिखाए। हाँ, लेकिन एक इमोट दिखाया जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया और अब भी दिखा रहा हूँ, देख लो जरा। मतलब सब्सक्राइबर हो तो ऐसा हो, ठीक है, जो कि इमोट दिखाता भी हो, लेकिन प्यार वाला प्यार भरी इमोट दिखाया इस बंदे ने। और मुझे जितना दुख यहाँ पर मेरे नेटवर्क ने दिया ना भाई, तो इससे ज्यादा खुशी मेरे को इस बंदों ने दिया, मतलब इमोट दिखा के। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, लेकिन नेटवर्क की वजह से मैं ऊपर मर जाता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बस आज के वाली वीडियो पे मेरे सब्सक्राइबर आए थे और मैंने आप लोगों को दिखाई, ठीक है, तो आपको वो कैसे लगा? अच्छा लगा है ना तो लाइक करो, अगर नहीं लगा है ना तो फिर डिसलाइक नहीं करना, ठीक है, जाने दो। लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई है भाई कि किसी ने लूबी में क्लच रिक्स भाई को पहचान लिया, मतलब लूबी में रैंडम बंदा आके आपको पहचान लेता है भाई, तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। और इस खुशी का आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप एक यूट्यूबर ना हो। दिन रात को एक करके हर छोटी बड़ी यूट्यूबर का यही सपना होता है कि भाई मैं नाम कमा लूं। तो नाम कमाने का और कामयाब होने का ये सपना मेरा भी है, ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भाई का ये सपना पूरा हो जाए ना भाई, तो फिर आप लोगों को इतना कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ सब्सक्राइबर वाला बटन को दबाना है और क्लचर भाई को आगे लेके जाना है और इस जमाने को दिखाना है कि तेरे में कितना कुव्वत मर्दाना है। और इस तरह हम आवाज अल्फाज बोलने से जुड़ा मेरा स्कूल का जमाना है, तो देखते है कि कौन मेरा हेटर है और कौन मेरा दीवाना है। और मेरे शायरी को सुनकर बहुत लोगों ने सोचा कि क्लचर का गला दबाना है। अब इस तरह की हम आवाज अल्फाज में अपनी जिंदगी में भी बोलता हूँ रियल लाइफ में पश्तो वाली जुबान में, ठीक है, तो बहुत सी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया भाई कि आप उर्दू में भी ऐसा बोला करो तो ये ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई पोइट्री टाइप वाला अल्फाज आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है ना भाई, तो नेक्स्ट वाला वीडियो में पूरा ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हुआ है ऐसा बोलने का, मतलब जैसा की कार्टून फ्रीक आप लोगों के लिए बनाता है पनी पनी वीडियो, तो मतलब वैसे मैं भी आप लोगों के लिए कॉमेडी टाइप वाले वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन शायद मुझे ऐसे लग रहा है की आप लोगों को मेरे कॉमेडी वाले वीडियो अच्छा
नहीं लगेगा क्योंकि मैं सेठ बंदा हूँ, ठीक है। हर वक्त मैं उदास होता रहता हूँ और वो आप लोगों की वजह से, तो मैं आप लोगों की वजह से क्यों हर वक्त नाराज रहता हूँ भाई, तो वो मैं आप लोगों को कल की वाली वीडियो में बताऊंगा। और आज का वीडियो बस इतना ही था, ठीक है। मेरे गेम प्ले में आए थे मेरे सब्सक्राइबर, वो भी दिखाया और साथ में आप लोगों को एक अच्छा सा गेम प्ले भी दिखाया, ठीक है। तो बस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज मेरी वीडियो पे एक बंदी ने कमेंट किया था कि भाई अगर आप इतना मेहनत करते हैं ना तो फिर वीडियो की लास्ट में क्यों बोलते हो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसको क्या जवाब दिया वो भी कल के वाली वीडियो पे मैं बताऊंगा।